हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बहुत यमी सा सैलेड। आजकल जैसे विंटर है, गाजर बहुत अवेलेबल हैं, तो क्यों ना एक सिंपल सा सैलेड बनाया जाए। और ये है कैरेट सैलेड, गाजर का सलाद। ये देखिए, मैंने गाजर को अच्छे से धो के छील के और इसके जूलियंस कट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको लंबा लंबा ग्रेट भी कर सकते हैं, बस बट इस टाइप से किया हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी। तो देखिए, हमने ये करीब 1.5 कप हो गया है। ये हमने एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत झटपट बनने वाला ये सैलेड है। और ये देखिए, मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच लिया है मैंने शहद हनी, और 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने लेमन जूस। आप इसकी जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून पीनट्स ली हैं रोस्टेड, और 1.5 टेबल स्पून पीनट्स को मैंने ऐसे क्रश कर लिया है। सॉल्ट एज पर टेस्ट है, कटा हुआ धनिया है, और क्या करना है हमें, इसे बिल्कुल बस मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले डालते हैं इसमें, तो ये पीनट डाल देंगे हम, लेमन जूस इस पर डाल देंगे, यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ये देखिए, हमने इसमें सब डाल दिया है। अब हम ये ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, आप कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। हनी डाल देंगे, हनी की जगह आप पिसी चीनी भी डाल सकते हैं। कटा धनिया डालेंगे और नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप यहां पर ना टेस्ट करके देख लीजिएगा, ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप टेस्ट करके देखिएगा कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सा लगने वाला, बहुत जल्दी बनने वाला सैलेड बनकर तैयार है। इसकी करते हैं हम प्लेटिंग और आपसे मिलते हैं। हमने इसको टेस्ट कर लिया है और ये सैलेड जो है परफेक्ट है। ये देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है, और इसमें हम ये पुदीने के पत्ते भी 2-3 तोड़कर डाल देंगे। इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, हमारा यमी सा सैलेड बनकर तैयार है। वाओ, जितना देखने में सुंदर है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।